हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ कंसाइज फिजिक्स। आज हम लोग चैप्टर 5 में रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंसेज का जो नेक्स्ट वीडियो था चैप्टर 5 का, विच इज़ पार्ट नंबर 4, उस वो देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने यहाँ तक कवर किया था जिसमें टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस उन्होंने पढ़ लिया था। यहाँ तक पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ये जो बाकी के सारे टॉपिक्स हैं, ये सब लाइक ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकी, फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, और फिर बाद में ये आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस थ्रू द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एंड इक्वी कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कवर करते हैं आज, ठीक है, इस वीडियो में। और उसके बाद जैसे मैंने कल बोला था, मैं इसके करीब 10 क्वेश्चन भी लगाऊंगा, बट वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं बुक साइड में रख देता हूँ, पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। एंड टॉपिक इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, देखिए ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाने से पहले मैं पहले आपको एक टॉपिक को फिर से रिवाइज कराता हूं, और वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में जब मैं समझाऊंगा तो काम आएगा, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको फिर से बता देता हूं। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एक लेंस है जो किसी स्फेयर से मिलके बना होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक हमारा स्फेयर था ग्लास का, ये लेंस उससे हमारा ये बना था, ठीक है। तो इसके सेंटर से या इसके बीच से अगर कोई एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो लाइन दोनों सरफेस को कट करते हुए जाती है, तो ये लाइन को या तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर इसके हम लोग सेंटर में देखें, सपोज ये अगर मान लीजिए C2 है और ये हमारा C1 है, देन C1 एंड C2 दिस विल बी अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने बहुत सिंपल बेसिक डेफिनेशन आपको बताई है, मतलब ये क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज द ज्वाइनिंग लाइन, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस, ठीक है, ऑफ लेंस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन ज्वाइन करते हुए जा रही है, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, ये आपको दिमाग में आनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है। देखिए इसी एग्जांपल में, और लेट मी ड्रॉ अनदर वन, एक मैंने ये लेंस ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि ये जो लेंस है, ठीक है, इसी का जो सेंटर रहता है, हमें जहाँ से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है, इस पे जो हमारा बीच का सेंटर का पॉइंट बनता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। बुक में इन्होंने कैसे समझाया है, देखिए ये पॉइंट हम लोग बाय द वे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि यही इसका सेंटर है या यही एक पॉइंट है जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं। उसके लिए इन्होंने बताया है कि सपोज ये एक लेंस है और इसमें से एक सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, इसको मैं लिख देता हूँ PA, ये पास हो रहा है, ठीक। अब इसमें से बहुत सारी रेज जा रही होंगी, ठीक है, मान लीजिए कैसे भी जा रही है, ऐसे जा रही है, मैं भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए कैसे रेज आ रही है, ऐसे रेज आ रही है, बहुत सारी रेज आती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक ऐसी रे जो उसका उसका प्रॉपर्टी क्या हो, एक ऐसी रे बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए एक रे एक रे ऐसे आई, ठीक है,
और उसके बाद सिंस देखिए यहाँ पे ये है एयर और ये है ग्लास, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्जन होगा। तो रे को कैसे आना चाहिए था, पहले रे को आना था ऐसे, ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक ऐसे करते हुए वो रे आगे आती। लेकिन इन एक्चुअल में होता क्या है कि रे थोड़ा सा अपने एंगल से, थोड़ा इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट, थोड़ा सा वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो रे फिर से एयर में जब आती है तो फिर से वो थोड़ा सा फिर कन्वर्ज होती है और वो पैरेलल हो जाती है वो, और वो जब इमर्ज करती है तो वो फिर से सीधी आती है। तो मतलब जब रे आ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब रे हमारी बाहर निकल रही है तो वो होती है हमारी इमर्जेंट रे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है डेफिनेशन में कि रे अगर जब सीधी आ रही होती तो वो रे और जो डाइवर्ट होने के बाद जो रे बाहर निकली है, दोनों जिस रे जिस पॉइंट पे पैरेलल हो जाती हैं लेंस में, वो हो जाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये पॉइंट मेरा रहेगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और भी बहुत सारी रे आ रही होंगी बट वो बाहर निकलने के बाद पैरेलल नहीं होंगी, इसको देखिए वो कहीं पे और डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन यही एक ऐसी रे थे जो अगर ऐसे सेंटर से जब रे बाहर निकले, ठीक है, और जो इमर्ज होते हुए जो रे बाहर निकल रही है, मतलब रे जब सीधी आती वो रे और जो रे इमर्ज हो रही है, वो दोनों रे पैरेलल हो रही हैं यहाँ। तो लेंस के जिस पार्ट से होते हुए जा रही हैं वही हमारा पार्ट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। और वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो पॉइंट होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। अब अगर मैं आपको बुक की डेफिनेशन जो इन्होंने मेंशन करी है उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसमें देखिए इन्होंने बोला है इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट ये वो पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब रे ऑफ लाइट अगर इस पॉइंट से पास करे, ठीक है, इमर्ज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो इंसिडेंट का डायरेक्शन है, इंसिडेंट का क्या डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इसको सीधे आना चाहिए था, बट वो पैरेलल में हो जाता है जो रे हमारी इमर्ज हो रही है, जो रे हमारी एक्चुअल में निकल रही है, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, इसमें इन्होंने बोला है इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासेस और पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, किस पॉइंट से आ रहा है, ये पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहाँ से फर्स्ट कंडीशन, एक तो वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए जो मैंने सबसे पहले बताया, ठीक है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के होने के बाद क्या हो रहा है, वो पैरेलल में आ रहा है किसके, इमर्जेंट रे के, जो हमारी रे इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। इमर्जेस पैरेलल टू द और टू द डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन से, जो हमारी इंसिडेंट है, इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज माय इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हमारी कौन सी हो रही है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई अगर तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओ पॉइंट, और यही है हमारा व्हाट वी कॉल्ड एज एन ऑप्टिकल सेंटर, ओ, ठीक। अब इस पॉइंट को हम लोग
कहते हैं, मान लीजिए रे आ रही है पी और यहाँ पे आ रही है क्यू। तो फर्दर इन्होंने बताया है, यही चीज़ जो मैंने भी एक्सप्लेन करी इन्होंने आगे ही बुक में लिखी बताई है, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। देखिए इन्होंने बुक में क्या बताया, सिंस द सेंटर पोर्शन ऑफ ए लेंस इज थिक। अच्छा पहली चीज़ तो ये जो कंडीशन है, ये जो ऐसे आपको मैंने दिखाया ना कि रे ऐसे आ रही थी फिर ऐसे डाइवर्ट हुई फिर ऐसे निकल के बाहर आई, ये कंडीशन बेसिकली क्या है ना, ये जो लेंस होता है ये बहुत थिक है, बहुत मोटा लेंस है। इन एक्चुअल में क्या होता है ना, ये लेंस इतना पतला होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये इतना ऐसे अंदर, इस लेंस के अंदर भी इतना डाइवर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है। बट ये कंडीशन आपको समझाने के लिए इन्होंने बताया गया, ठीक है। तो यही चीज़ इन्होंने बुक में डिफाइन करी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो इन्होंने बताया था कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ ए थिक ग्लास, तो ये भी मैं लिख देता हूँ, द लेटरल शेप, ठीक है, द लेटरल शेप, द ऑफ द रे हैज बीन shown here, shown quite large, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन आपको दिखाया है, बट इन एक्चुअल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ये भी बुक में ही लिखा हुआ है, बट इन एक्चुअल इट्स वेरी स्मॉल, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन एक्चुअल में कैसे रहता है, बेसिकली ये जो लेंस है वो एक ऐसे रहता है, ये एक हमारा पतला सा लेंस रहता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और जो भी रे आ रही है वो सिंपल सा ऐसे बाहर निकलती है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। जो मैंने अभी बताया ये भी मेरा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा ये हो गया कॉन्वेक्स। अभी ये सेम कंडीशन हमारी कॉनकेव लेंस के केस में कैसे होती है वो भी दिखा रहे हैं। अगर एक मेरा कॉनकेव लेंस अगर एक मेरा थिक है, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस पहले मैं बना लेता हूँ। सपोज ये एक मेरा एक मोटा सा थिक लेंस है, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पी ए। तो कंडीशन क्या थी ऑप्टिकल सेंटर की, पहली चीज़ वो पॉइंट रहेगा हमारा कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मगर हम वो रे लेंगे, सपोज ये एक रे आ रही है, ठीक है। अब इसको कैसे जाना चाहिए, एक्चुअल में वो ऐसे जाना चाहिए सीधा होते हुए, ठीक है, बट होता क्या है, अगेन वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुई और फिर उसके बाद जब वो वापस अपनी पोजीशन पे मतलब ग्लास से जब एयर में आई तो फिर से ये हमारी होगी इमर्जेंट रे, ठीक है। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कॉनकेव लेंस का, तो वो रे जो हमारी इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल डायरेक्शन था वो और जो इमर्जेंट रे दोनों जहाँ पे पैरेलल में आ रही है, तो उस पॉइंट को सेंटर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। ये केस हो गया मेरा, सेम डेफिनेशन है, बस इन्होंने मैंने आपको कॉनकेव लेंस में लिखा है। और कॉनकेव लेंस में जैसे ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ ये मैंने अभी बताया आपको थिक लेंस में, तो थिन लेंस में क्या होगा, ये मान लीजिए मेरा एक थिन लेंस था, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था, ये रे कैसे होगी, ये जो इतना बड़ा डाइवर्जेंट ये जो लेटरल शिफ्ट हम लोग दिखा रहे हैं ये बहुत ही छोटा सा होता है, तो एक्चुअल में आपको सीधा लाइन ऐसी ही दिखाई देगी जो कि ऑप्टिक सेंटर मतलब ओ से होते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल सिनेरियो में यहाँ पे थिन लेंस होता है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ थिन लेंस, वो क्या होता है, इज द पॉइंट ऑन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पे पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे,
प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट मीन्स ये वाला हमारी जो इंसिडेंट रे, ठीक है, टुवर्ड्स इट पासेस अनडेविएटेड, ये पास करती है देखिए बिना डेविएशन के, वो सीधा लगती है, ठीक है, इसमें कुछ भी अपीयरेंस जैसा नहीं होता है, पासेस अनडेविएटेड अनडेविएटेड टू इट, मतलब इस लेंस से कुछ भी डेविएशन नहीं होता है, तो ये हमारा थिन लेंस के केस का कंडीशन है। थिक लेंस में यस डेविएशन होता है, बट वो दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्लियर हुआ, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस भी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ अगर प्रिंसिपल एक्सिस में कुछ और डिटेल है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, पार्ट 4 में आप देखिएगा, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट कवर होता है ऑप्टिकल सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर का, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकी क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकी। अब बाय द वे फ्रेंड्स, ये जितना भी नोट्स है ना, ये मैं अपनी वेबसाइट पे visionandgold.com पे मैं ये अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको ऑल डाउनलोड सेक्शन में मिलेगा, और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है, कुछ ऐसा फ्री है, कुछ ऐसा पैसा वैसा नहीं लगेगा, जस्ट रजिस्टर, लॉग इन करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं प्रिंसिपल फोकी, प्रिंसिपल फोकी। अब ये प्रिंसिपल फोकी है क्या, बेसिकली क्या होता है ना, जो रे ऑफ लाइट होती है उसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, वो तो कहीं से भी आ जाएगा, मतलब अगर ये एक हमारा लेंस है, एक टिपिकल लेंस है, तो इसमें रे ऑफ लाइट कहाँ से पड़ रही है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हर तरफ से लाइट पड़ रही है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम रे ऑफ लाइट इधर से मान रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो ये जो रे है ये अंदर जाएगी, कुछ डाइवर्ट कन्वर्ट होगी, फिर वो बाहर निकलेगी, तो एक फोकल पॉइंट, मतलब ये कहीं पे तो जाकर के ये रे हमारी मिलेगी ना, ये एक हमारा फोकल पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इधर की लेफ्ट साइड की रे को देखेंगे, तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं अंदर आकर के, मतलब आफ्टर डाइवर्जन मिलेगी, तो ये हमारा दूसरा फोकल पॉइंट बन जाएगा। तो इन शॉर्ट किसी भी लेंस के दो फोकल पॉइंट होते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रे दोनों तरफ से आती है, इस लेंस के राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से आ रही है रे, तो हमारे एक लेंस के दो फोकल पॉइंट होते हैं, यही इन्होंने बताया। तो लाइट रे कैन इंटर अ लेंस फ्रॉम ईदर साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, देयरफॉर लेंस इज टू प्रिंसिपल फोकी, वन ऑन ईदर साइड, मतलब एक अगर रे लेफ्ट साइड से आ रही है, तो एज आई सेड सपोज ये मेरा फोकल पॉइंट वन हो गया, और अगर हमारा लेफ्ट साइड से आ रही है, तो ये मेरा दूसरा फोकल पॉइंट टू हो जाएगा। वो फोकल पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकेंड फोकल पॉइंट का ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझते हैं, ये बहुत हाई लेवल पर आया था, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर इन दोनों का मीडियम सेम है, ठीक है, मतलब ये लेंस हमारा एयर में है या वाटर में है, देन उस केस में ये जो फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वल होता है, ठीक है। वो सब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, अभी ये सब जो इन्होंने बुक में डेफिनेशंस दी हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर यहाँ से हम लोग ऑप्टिक सेंटर से इसका डिस्टेंस नापेंगे, तो ये दोनों फोकल पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है, ठीक है, अगर हमारा क्या, अगर मीडियम सेम है, ठीक है। तो मैं पहले ये पॉइंट लिख लेता हूँ जितना मैंने आपको अभी बताया है। तो ये है अ लाइट, ठीक है, अ लाइट रे कैन इंटर अ लेंस फ्रॉम ईदर साइड,
ठीक है, पहली पहली कंडीशन मतलब ये प्रिंसिपल फोकल का और प्रिंसिपल फोकी का डेफिनेशन या मैं कहूँ अंडरस्टैंडिंग में लिख रहा हूँ, इंटर ए लेंस फ्रॉम ईदर साइड, देयरफॉर अ लेंस हैज टू फोकल पॉइंट और टू प्रिंसिपल फोकी, प्रिंसिपल फोकी, ठीक। जो फर्स्ट फोकल पॉइंट रहता है, फर्स्ट फोकल पॉइंट FFP में लिख रहा हूँ, उसको हम लोग डिनोट करते हैं F1 से, और सेकंड फोकल पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं F2 से, ठीक। एंड यहाँ पे जो मैंने थर्ड बार बताई थी, अगर दोनों ही केस में मीडियम सेम रहता, सॉरी दोनों तरफ अगर मीडियम सेम रहता, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेंस पानी में डूबा हुआ है आधा, तो आधा पार्ट हमारा एयर में है, आधा पार्ट पानी में है, और जैसे सम अदर मीडियम में है, पर उस कंडीशन में नहीं, अगर मीडियम सेम है, ठीक है, या तो पूरा डूबा है पानी में। सो इफ द मीडियम इज सेम ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ ऑफ द लेंस, देन द टू फोकी आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम कहां से इक्वल डिस्टेंस हम नापेंगे, तो कहां से नापते हैं, जैसे मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और लेट मी पुट इट O, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल फोकी का बेसिक कंसेप्ट। अब देखते हैं मेन मुद्दा कि फर्स्ट फोकी पॉइंट होता क्या है और फर्स्ट फोकल पॉइंट होता क्या है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज है, ये जो बुक में दिया है ना, इन्होंने फर्स्ट फोकल पॉइंट में पहले कॉन्वेक्स लेंस बताया, फिर कॉनकेव लेंस बताया, फिर सेकंड फोकल पॉइंट बताया, उसमें कॉन्वेक्स लेंस बताया और कॉनकेव लेंस बताया। तो मैं कैसे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का दोनों फोकल पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, वो आपको समझने में मेरे हिसाब से ईजी पड़ेगा। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि फर्स्ट फोकल पॉइंट पहले मैंने कॉन्वेक्स का बता दिया, कॉनकेव को बता दिया, फिर सेकंड फोकल पॉइंट मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव को बता दिया, नो, ये बुक में लिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है, ये पहले मैं आपको कॉन्वेक्स का बताऊँ और फिर इसी कॉन्वेक्स का एक साथ ही एक ही टाइम पे आपको सेकंड फोकल पॉइंट भी बता दें, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस का दोनों फोकल पॉइंट क्लियर हो गए। फिर मैं जाऊँगा सेकेंड लेंस पे, विच इज़ कॉनकेव लेंस, उस पे मैं आपको फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एक ही लेंस के दोनों फोकल पॉइंट एक बार में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एक ये हमारा एक लेंस है, ठीक है, कई बार मेरा लेंस बड़ा अच्छा बनता है, कई बार अच्छा नहीं बनता है, तो कोई बात नहीं। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है हमारा ऑप्टिक सेंटर, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं, ठीक। अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया, बहुत सारी रेज आ रही होंगी, कोई कैसे भी इधर राइट से आ रही है, कोई लेफ्ट से आ रही है, ऐसे अभी हम लोग इस केस में लेफ्ट से मानते हैं कि हमारे पास कोई एक रे आ रही है। मान लीजिए एक रे ऐसी आती है इस डायरेक्शन, ठीक, और फिर वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, PA के, ठीक। सिमिलरली एक दूसरी रे भी आती है और वो भी लेंस के अंदर ऐसे से जैसी हो जाती है, वो भी पैरेलल हो जाती है, ठीक, किससे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से। और इस रे को अगर हम लोग आगे ऐसे मीट करते हैं, तो अरे यार ये इसको यहाँ पे मिलना चाहिए, ये मान लीजिए, ठीक है,
थोड़ा सा बाहर हो गया था वो, शायद डिजाइनिंग में मेरा फर्क हो गया, बट ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है और जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट होती हैं कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो कहलाता है हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक रे है जो लेंस में जा करके पैरेलल हो जाती है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। सिमिलरली लेंस के दूसरी डायरेक्शन में भी एक सेम रे जा रही है और वो भी जा करके पैरेलल हो जाती है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से, और उस रे को हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलती है वो कहलाता है हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट F1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब यही चीज़ इन्होंने बुक में कैसे एक्सप्लेन करी है वो अब आप पढ़िए। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस, पहली चीज। ठीक, अब बुक का जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इनफैक्ट मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आता जाएगा। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस द फर्स्ट फोकल पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट फोकल पॉइंट FFP इज अ पॉइंट F1। ठीक है, यही मैंने बताया, ये F1 पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस PA किसके, ऑफ द लेंस। ठीक है, सच दैट द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट, ठीक है, मीन्स ये जो रे आ रही है, ठीक है, कमिंग फ्रॉम इट आफ्टर किसके, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्ट होके जा रही है, ठीक है, थ्रू द लेंस। एक एक वर्ड देखिए मैं समझा रहा हूं यहां पे, थ्रू द लेंस रिफ्रैक्ट होके कहां से जा रही है, लेंस के अंदर से जा रही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस बिकम पैरेलल किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, PA ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑब्वियस बताइए लेंस की बात, ये आपको बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया है और वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस का क्लियर हो गया। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस का ही मैं आपको सेकेंड फोकल पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेकेंड फोकल पॉइंट क्या होगा, सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट क्या होता है, मैं अभी केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस की ही बात करूं, आई डू नॉट वॉन्ट टू इंटर इंटू कॉनकेव लेंस, वो कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस का ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक हमारा लेंस है, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। फ्रेंड्स जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब लिखिएगा, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इससे आप लोग का प्रैक्टिस बनता रहता है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या था, रे हमारी जो मैंने बताया पहले, देखिए रे ऐसे आ रही थी और बाद में जाके पैरेलल हो रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक रे है जो पैरेलल ही आ रही है, ठीक है, एक रे ये है और ये एक रे ये है, ये हमारी पैरेलल आ रही है किससे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। ठीक है, और फिर अंदर जाने के बाद जब वो लेंस के अंदर जा रही है और रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे मिल रही है, सपोज ये रे अंदर गई और अंदर जाने के बाद ये भी एक पॉइंट पे आके मिल रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके रिफ्रैक्शन होने के बाद वो मिल रही है, तो ये जो पॉइंट होता है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन F2 और सेकंड फोकल पॉइंट। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ,
कि इन ए कॉन्वेक्स लेंस द सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है, सेकेंड फोकल पॉइंट क्या होता है, वो एक एफ टू पॉइंट होता है, कहाँ पे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे, सच दैट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये हमारी जो इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल है, पैरेलल है किसके, हमारी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, सच दैट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस पासिंग थ्रू इट, ये हमारी दोनों जब पास कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है। अब इसको मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस सेकेंड फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट एफ टू ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, आई एम जस्ट राइटिंग एज ए पी ए, ऑफ द लेंस, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने ऐसे भी सोच रहा था, अभी बस पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये जो मैं बता रहा हूँ, देखिए डेफिनेशन भी बताता हूँ और मैं इसको लिख भी देता हूँ, बट आपको अगर ये वीडियो नहीं भी देखने का मन हो रहा है तो आप बस इसको लगा के हेडफोन में सुन भी सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो वैसे कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ऑडियो वीडियो भी है ये, ठीक है, आपको ऑडियो भी एक सुनना है तो आप बस लगा के जेब में मोबाइल डाल के आप सुनते रहिए, अदरवाइज आपको देखना है तो वैसे भी, क्योंकि ऐसा कुछ मैं इतना डिटेल में बताता हूँ कि आपको अगर नहीं भी देखेंगे वीडियो तो भी विजुलाइज हो जाता है, ठीक है, बट एक बार आप देखेंगे तो उससे आपको कंसेप्ट पहली बार में क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड टाइम आप ऑडियो सुन सकते हैं, ये पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में अभी आया है, तो मैंने सोचा है आपको शेयर भी दिखाया, ठीक है। एनीवे ऑन द पी ए ऑफ द लेंस, ठीक है, सच दैट what? The ray of light, the ray of light incident parallel, ठीक है, incident parallel, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो ray of light है वो देखिए दोनों parallel आ रही है। अच्छा parallel किसके आ रही हैं, हमेशा एक दूसरे के नहीं, वो principal axis के, ठीक है, principal axis के तो anyway सब parallel में रहेगा, but आपका concept हमेशा principal axis के अराउंड ही घूमना चाहिए, ठीक है, पैरेलल टू द, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस पासेस पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जो हमारा रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग को मिलता है, बट वो रे का कंडीशन क्या है कि वो हमारी पैरेलल में है, तो ये हो जाता है सेकंड फोकल पॉइंट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा सारा स्टोरी कॉन्वेक्स लेंस का है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये देखिए जितनी भी रे है ना, ये सेकंड कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये रे हमारी सारी एक्चुअल होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉनकेव लेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट फोकल पॉइंट, और ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉनकेव का। कॉनकेव में ना अपीयर वर्ड यूज होता है, ठीक है ना, आभास होता है कि ये रे मिलने वाली है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं होता। तो ये चीज आपका वन ऑफ द डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यहाँ पे आपका अपीयर वर्ड यूज हो रहा है। तो चलिए ये देखते हैं, तो पहले कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, कॉनकेव लेंस मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब ओके, ये बीच में इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक, ये बीच में हमारा सेंटर, ये हो जाता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ओ अब एक रे मान लीजिए ऐसे आ रही है, लेंस के अंदर आई और फिर ये पैरेलल हो गई, ठीक। दूसरी रे ऐसे आ रही है, लेंस के अंदर आई और फिर ये भी पैरेलल हो गई, ठीक है। मतलब ये जो उसकी एजेस हैं ये उसकी तरफ हमारी रेज डाइवर्ट होती है,
तो ये ऐसे ही एच की तरफ चली गई सीधे, बट ये हमारी दोनों ही केस में पैरेलल हो रही है किसके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से। मगर अगर आप इस रे को फर्दर एक्सटेंड करते, ये तो देखिए एक्चुअल रे का डायरेक्शन है, ऐसे आई फिर चली गई, लेकिन अगर ये रे सीधे आती तो कहाँ पे मिलती, सपोज ये ऐसे आकर के मिलती, ठीक है, ये हमारी डॉटेड लाइन है और ये हमारी इधर आके मिलती, तो ये जो लाइन है या ये जो हमारा अपीयरेंस हो रहा है कि ये अपीयर कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ये रे को ऐसे आना चाहिए था, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे आकर के ये दोनों अपीयरेंट वर्ड यूज़ करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आभास हो रहा है कि ये जहाँ पे मिलने वाली होती, वो पॉइंट हमारा कहलाता है फोकल पॉइंट, और ये है हमारा फोकल पॉइंट वन, एफ वन, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ अपीयर, ये ध्यान दीजिएगा। तो फॉर ए कॉनकेव लेंस फर्स्ट फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट एफ वन, ये देखिए मैं अभी फर्स्ट फोकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट एफ वन, कहाँ पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस सच दैट द इंसिडेंट रे ऑफ ए लाइट अपीयरिंग, ऐसा लगता है कि हो रही है, होती नहीं है, हो रही है, होती कहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, बट यहाँ पे हो रही है, ऐसा आभास होता है, अपीयर होता है, अपीयर टू मीट एट इट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए लेंस, ठीक है, बिकम पैरेलल, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, बट ये अपीयर होता है, ठीक, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, फॉर अ कॉनकेव लेंस, फॉर अ कॉनकेव लेंस फर्स्ट फोकल पॉइंट इज अ पॉइंट इज अ पॉइंट लेट्स से एफ टू, सॉरी एफ F1 कहां पे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस किसके, ऑफ लेंस, ठीक है, सच दैट द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट appearing to meet कहाँ पे, at it, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एंड इन एक्चुअल द रे और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम the lens become parallel to the principal axis PA, ठीक है। तो ये ray actual में कैसे जा रही है, ऐसे ray आई और फिर ये parallel होगी principal axis की, but appear होती है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाकर के मीट हो रही है, और जहाँ पे मीट होती है वो हमारा हो जाता है फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब सेम लॉजिक अब अगर हम लोग कॉनकेव लेंस का सेकंड फोकल पॉइंट देखते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ सो दैट एक पेज में आपको सब चारों दिख जाएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने इसीलिए जो डेफिनेशन भी है यहाँ से शुरू करी थी जिससे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड फोकल पॉइंट, यहाँ पे लिखा मैंने सेकेंड फोकल पॉइंट,
ये क्या होता है। अब इस केस में आप ये मानिए कि एक रे है जो पैर ओके पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दूं, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए एक रे आ रही है पैरेलल में है किसके, ए फ्रेंड्स मैं एक चीज बताना भूल गया, इसका डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ रे ऐसे रहता है, ठीक है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ रे जरूर बताइएगा वरना एग्जाम में आपको पॉइंट्स आपको नंबर कट सकते हैं। अच्छा, तो ये दो रे आ रही है हमारी, दोनों पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद वो जैसे मैंने बताया ये एजेस की तरफ हमारी डाइवर्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे आई यहाँ पे और फिर ये ऐसे निकल गई, ये रे ऐसे आ रही है और फिर उसके बाद ये ऐसे निकल गई, ठीक है। लेकिन एज आई सेड ये अपीयरेंस वर्ड यूज होता है यहाँ पे, तो अगर इस रे को हम ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा अपीयर करता है, ऐसा आभास होता है कि वो जिस पॉइंट पे मिल रही हैं कहाँ पे, F2 ऑन प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमारा बन जाता है सेकंड फोकल पॉइंट। मतलब फॉर ए कॉनकेव लेंस सेकंड फोकल पॉइंट इज ए पॉइंट F2, मतलब ये वो पॉइंट है F2 कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के उस लेंस के, सच दैट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल, मतलब ये जो दो राइट जो रेज हैं ये इस लेंस पे इंसिडेंट हो रही हैं पैरेलल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जैसा ही सेट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती हैं, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस लेंस से जो रे बाहर निकल रही हैं अपीयर करती हैं, ऐसा लगता है टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ऐसा लगता है कि ये रे सीधे आकर के ऐसे डाइवर्ट नहीं हो रही, मतलब पैरेलल में आके डाइवर्ट नहीं हो रही, ये रे एक्चुअल में लगता है यहाँ से ही डाइवर्ट होकर के आ रही है, मतलब ये रे का ओरिजिन ये लगता है, ठीक है, और ये लगता है मतलब F2 लगता है, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी पेज पे फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स, सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव एंड सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ कॉनकेव, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों में ध्यान रखिएगा, पहला सबसे बड़ा फर्क है कि ये अपीयर करता है, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस दिस इज रियल, ये मैं आपको अभी डेफिनेशन सॉरी जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा तो वहां पे बना था डिफरेंस दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, वो है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, सपोज एक ये मेरा एक लेंस है, ठीक है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, इस पे हमारे पास बहुत सारी रेज पड़ रही हैं, ठीक है, सपोज एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, बहुत सारी रेस पड़ रही है, ठीक है, और सपोज एक मैं ये ऐसे बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए पैरेलल चली जा रही है, ये रे ऐसे आ रही है, ऐसे चली जा रही है, ठीक है, ये रे अंदर आई फिर ऐसे चली गई, तो ऐसे करके ये जो रेस जा रही है। बट इफ यू आस्क मी व्हाट इज फोकल प्लेन, तो प्लेन नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं हमारा फोकल प्लेन, मतलब ये अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक वो प्लेन और या वो
एक वो पॉइंट जो हमारा नॉर्मल रहता है या उस वो प्लेन बेसिकली नॉर्मल रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। सो अगर ये सारी रे ऐसे जा रही हैं तो अगर मैं ऐसे देखूं, अब थोड़ा 3D डायरेक्शन डायमेंशन के एंगल सोची, तो एक ऐसा प्लेन मतलब एक ऐसी जगह जो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है फोकल प्लेन। अब अगर ये फोकल प्लेन मेरा फर्स्ट फोकल पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, सपोज ये एक मेरा लेंस है, ठीक है, और इसमें ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एक रे ऐसे आती है, ये दोनों बाद में पैरेलल हो जाती है, ये रहता है F1, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स जहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट 2 रहता है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों पैरेलल आती हैं और बाद में जा करके वो जिस पॉइंट पे मिलती हैं वो हो जाता है हमारा फोकल पॉइंट 2, ठीक है। तो इस यहाँ पे तो इस केस में हमारा प्लेन क्या होगा, अगर फोकल पॉइंट 1 के बारे में बात करते हैं, फोकल पॉइंट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्लेन आ रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ फर्स्ट फोकल पॉइंट और फर्स्ट फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन। लेकिन अगर ये प्लेन हम लोग सेकेंड फोकल पॉइंट की तरफ देखते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेकेंड फोकल प्लेन, ठीक है। तो बेसिकली ये वो प्लेन है, ये वो स्पेस है, या ये वो परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेन है, जो हमारी रेज या हमारे लेंस के जितनी भी रेज होती हैं उसके नॉर्मल में रहता है, उसके परपेंडिकुलर में रहता है, इन शॉर्ट, ठीक है। ये आप थोड़ा सा मतलब कागज पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है, बट आप ऐसा सोचिएगा कि एक हॉरिजेंटल या ऐसे सॉरी ऐसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है जो आपको 3D इमेज दे रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपको लगेगा, तब आपको थोड़ा समझने में ईजी रहेगा। तो फोकल प्लेन यहाँ पे उसको बोलते हैं, बट ये वही चीज़ है, अगर ये फर्स्ट फोकल पॉइंट की तरफ है तो फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकंड फोकल पॉइंट की तरफ प्लेन बना रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ सेकंड फोकल प्लेन, ठीक है। अब आता है फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को समझने के लिए ये जो हम लोग का एग्जांपल था, इसी को समझते हैं, बहुत इजी है। बेसिकली ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ से रेज हमारी निकल रही हैं, जो इंसिडेंट हो रही हैं, ऐसी दो रेज जो बाद में रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरल होती हैं, तो अगर हम इसका डिस्टेंस नापते हैं कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से, ठीक है, ये मैंने आपको अभी इस वीडियो में पहले ही बताया था, तो ये जहाँ पे मीट हो रही है, सपोज ये इसके, अगर हम लोग इसका डिस्टेंस नापते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आता है ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पे हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट बनता है, तो ये हमारा कहलाता है F1 एंड दैट वी कॉल्ड एज ए फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बाकी जगह पे भी देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फोकल पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड फोकल पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ से फर्स्ट फोकल पॉइंट से लेकर के ऑप्टिक सेंटर तक की, एंड दैट विल बिकम आवर सेकेंड फोकल लेंथ, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा ये जो डिस्टेंस आ रहा है, दिस विल बिकम, मैं इसको ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ, दिस विल बिकम आवर फर्स्ट फोकल लेंथ, मैं इसको FL लिख देता हूँ, F1L, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये दिस इज अगेन हम व्हाट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ। ध्यान दीजिएगा, ये रे या ये जो लेंथ है, सॉरी ये जो लेंथ है, ये हमेशा मैं ऑप्टिकल सेंटर जहाँ पे है ये वहाँ से मैं नाप रहा हूँ। मतलब अगर ये जो अगर मैं ऐसे एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से मैं नाप रहा हूँ, मैं इस लेंस की एज से नहीं नाप रहा, ठीक है। मैं ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का जो सेंटर है ना, मैं वहाँ से नाप रहा हूँ लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट फोकल लेंथ एंड
सेकंड फोकल लेंथ। आपको लगता है कि मेरे को लिखना चाहिए कि ये मैं इतना समझ गया, बताइएगा, नहीं हुआ तो मैं इसको लिख भी दूंगा। बहुत सिंपल सा है, मैं पढ़ देता हूँ जो बुक में लिखा है, आपको समझने में ईजी रहेगा। तो बेसिकली फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस और फोकल पॉइंट, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ फोकस, ये हम लोग फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। कई कोई फोकस बोलता है तो जहाँ पे हमारा बेसिकली लेंस का फोकस बन रहा होता है। ये आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ फोकस क्या होता है, व्हाट इज़ फोकस, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पर चलिए बात चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूजली क्या होता है ना, इन केस ऑफ व्हाट वी से फोकस, ठीक है, विच मीन द सेकेंड फोकल पॉइंट। हमेशा फोकस जो होता है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो फोकस होता है ना वो हमेशा FOCUS, फोकस हमेशा सेकेंड फोकल पॉइंट को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बात उठी थी तो मैंने एकदम से वो याद आया तो बता दिया। तो अभी देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, जो सेकेंड फोकल पॉइंट है ये क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है ऑफ द लेंस टू द इस फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सही है, फर्स्ट फोकल पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाती है हमारी फर्स्ट फोकल लेंथ। और सिमिलरली अगर ये हमारा सेकंड फोकल पॉइंट है तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है। सिंपल सा है, बुक से पढ़िएगा, आई डोंट थिंक कोई ऐसा इशू होगा। तो अभी मैं आपको एक बार बुक का दिखा देता हूँ, बुक में क्या क्या कवर हो गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग ने ये सारे कवर कर लिए हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकी, फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, व्हाट इज फोकल प्लेन, फोकल लेंथ। अब यहाँ पे एक कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर उसके बाद ये और हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द इक्विकॉन्वेक्स लेंस एंड इक्विकॉन्केव लेंस, और देन हमारा टॉपिक खत्म, ठीक। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो कुछ पॉइंट हैं कि पहला, जैसे कि मैंने बताया कि इफ़ द मीडियम ऑन द बोथ द साइड ऑफ ए लेंस इज सेम, द फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट आर इक्वल, मीन्स ये जो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि अगर मीडियम सेम है, सपोज दिस इज एयर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एयर, तो ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट फोकल पॉइंट का जो यहाँ से बन के आ रहा है, सपोज दिस एफ वन इज वॉट, लेट्स से एफ वन इज इक्वल टू आई एम जस्ट सेइंग 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेकंड फोकल पॉइंट भी कहाँ पे बनेगा, ये भी हमारा एफ टू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मीडियम दोनों जगह सेम है, ठीक है। अगर ये मीडियम चेंज होता तो दिस कुड बी डिफरेंट, हमारी जो लेंस जो फोकल लेंथ है वो हमारी डिफरेंट होती, ये इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया। सेकेंड फोकल जो इन्होंने पॉइंट बताया नोट्स में, दैट इज अगेन ये क्या बताया इन्होंने, यूजली व्हेन वी से फोकस वी मीन्स द सेकेंड फोकल पॉइंट, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी हम लोग बोलते हैं किसी लेंस का फोकस क्या है, दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड फोकल पॉइंट की बात कर रहा है। हैंस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंप्लाइज द सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब हमेशा एफ टू की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी इन्होंने क्या बोला है कि देखिए, ये देखिए मैंने पहले आपको बताया था, द कॉन्वेक्स लेंस, द कॉन्वेक्स लेंस हैज ए रियल फोकस, मीन्स देखिए ये रियल रेज आ रही है, ये जो रेज हैं ये रियल आ रही है, बट इन केस ऑफ ए कॉन्केव लेंस वो हमारा अपीयर होता था, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ रियल फोकस, व्हाई, बिकॉज द पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन ऑफ द लेंस एक्चुअल पासिस थ्रू दिस पॉइंट, मतलब वो एक्चुअल में रे यहाँ पे बन रही है, ठीक है। वाइल इन कॉन्केव लेंस द फोकस इज वर्चुअल, ये फोकस वर्चुअल रहता है, हम लोग को आभास होता है कि यहाँ पे ऐसा रे बन रहा है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। होता क्या है, वो देखिए हमारी रे सीधे चली जाती है, इन पैरल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है, बिकॉज द पैरल रे इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन डू नॉट एक्चुअली पासिस थ्रू दिस, बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए निकल जाती है, लेकिन लगता है कि वो अपीयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक चौथा पॉइंट भी है फ्रेंड्स, मैं आपको इसी बुक में ही बता देता हूँ। देखिए इन्होंने क्या बोला है, ओनली अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट एफ वन, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बताया है, Thank you.
ठीक है, अगला इन्होंने क्या बताया, ओनली अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस टू अ सिंगल पॉइंट एफ टू। मतलब दैट इज फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज। इफ द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक दैट इज द रे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट डज नॉट कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस एफ टू। मतलब अगर ये हमारी रे पैरेलल आ रही है तभी वो फोकस उसका पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है। देखिए जैसे यहाँ पर था, ये हमारी रे आ रही है और देखिए ये पैरेलल है तभी वो फोकस पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से बनता है। अगर वो रे नहीं आ रही है, ऑब्लिक आ रही है, ठीक है, ये सब रे देखिए आ रही है तो ये कहीं और इसका फोकस पॉइंट बनता है, ठीक है। और ये ठीक है, और वो देखिए जो मैंने फोकल प्लेन बताया था, फोकल प्लेन बताया ना एफ टू, ये कहाँ पे होता है, ये देखिए अगर हमें इसके ऐसे नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे वो कौन सी स्पेस होती है, दैट वी कॉल्ड एज अ फोकल प्लेन। तो यहाँ पे देखिए फोकल प्लेन क्या है, ये है और ये किस साइड है, ये हमारा एफ टू साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि ये जो ऑब्लिक पैरेलल बीम्स हैं दैट इज नॉट एक्चुअली फोकल पॉइंट बनता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये कहीं और बनता है, वो पॉइंट क्या होता है, हमारा बी पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ फोकस, फोकस मीन्स व्हाट, रिमेंबर सेकंड पॉइंट, फोकस मीन्स सेकंड फोकल पॉइंट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या बताया, ये मैंने वही बताया कि एट सम पॉइंट बी, ठीक है, इन द सेकेंड फोकल प्लेन ऑफ द, तो ये मैंने ऑलरेडी कवर किया, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है, पढ़िएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया सिमिलरली हमारा अगर कॉनकेव लेंस में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक ऑन ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। अभी इस पर हमारी जो रेज आ रही है वो किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, बट देखिए फोकल पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे कब बनता था, कॉनकेव लेंस में अगर मैं देखें तो, जब रे हमारी ऐसे आ रही है और बाद में वो पैरेलल हो जाती थी, लेकिन अगर किसी और एंगल से आ रही है तो फोकल पॉइंट यहाँ नहीं बनेगा, वो फिर कहाँ बनेगा, वो कहीं और बनेगा। वो कैसे बनेगा, जैसे रे ऐसे आ रही है, ऑब्लिक पैरेलल नहीं हो रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये रे ऐसे आई और फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ निकल गई, बट ये ऐसे आ रही है फिर डाइवर्ट होकर नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे हो रही है। लेकिन जब हम लोग उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब ऐसा अपीयर होता है, पीछे की तरफ अगर हम उसको एड मतलब डॉटेड लाइन से अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो एक पॉइंट है बी, वहाँ से बेसिकली रे आ रही है, जबकि रे एक्चुअली कहाँ से आ रही है, किसी और डायरेक्शन से आ रही है, रे आ रही है इधर से ऐसे होते हुए फिर ऐसे जा रही है। बट अगर हम लोग का अपीयर क्या होता है, आभास क्या होता है, सी कॉनकेव लेंस मीन्स अपीयरेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस में हमें अपीयर हो रहा है कि वो किसी दूसरे डायरेक्शन से आ रही है और वो हमारा पॉइंट क्या बन रहा है, बी। देखिए वह चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई, सिमिलरली इफ ए पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक ऑन ए कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, ऐसा अपीयर्स टू डाइवर्ज हो रहा है कि यहाँ से वो डाइवर्ज हो रही है, जबकि इन एक्चुअल यहाँ से नहीं हुई थी, वो इधर से आ रही है। देखिए ये ऐसे आ रही है फिर इधर निकल जा रही है, ये ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर्स होते हुए जा रही है, तो दैट मीन्स ये हमारी सीधी चली जाएगी, देखिए हमारी सीधी चली जा रही है, ये इन्होंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन करने का कोशिश की है, ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, ये सब कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, यहाँ पे मैं आपको बुक से ही समझा दे रहा हूँ, कुछ ऐसा डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लग रहा है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, ये जो इसकी लेंथ होती है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो मैंने पहले बताया और यहाँ एफ टू जहाँ पे इसका फोकस बन रहा है, ठीक है। देखिए आपको बुक में भी लिखा है, ये एफ वन, ये एफ वन, ये इस डिस्टेंस की बात हो रही है। तो फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, ये जो लेंथ होती है दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, वो किस पदार्थ से जो लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ द लेंस रिलेटेड टू इट्स सराउंडिंग मीडियम, उस सराउंडिंग मीडियम में जो इसके जिस लेंस कहाँ पे किस मीडियम में, ठीक है। इफ इट्स लेंस इज प्लेस इन अ वाटर, पानी में रखा गया है इंस्टेड ऑफ एयर, द फोकस लेंथ इंक्रीज, फोकस लेंथ की जो लेंथ है वो ज़्यादा रहेगी अगर वो वाटर में रखा गया है इंस्टेड ऑफ एयर। सिमिलरली द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेस ऑफ द लेंस, अ थिक लेंस हैज लेस फोकल, जितना मोटा सरफेस रहता है या जितना मोटा लेंस रहता है उसका जो फोकल लेंथ रहता है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है, देन अ थिन लेंस, अगर हम लोग थिन लेंस की कंपेयर करते हैं। ये उन्होंने फिफ्थ पॉइंट बताया। लास्ट पॉइंट क्या बताया, इफ ए पार्ट ऑफ ए लेंस इज कवर्ड, अगर कुछ पार्ट यहाँ पे हम लोग कवर कर देते हैं तो भी उसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो बस थोड़ी डिक्रीज होती है, ठीक है, वही चीज उन्होंने बताई। इफ ए पार्ट ऑफ ए लेंस इज कवर्ड इट्स फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जहाँ पे फोकल पॉइंट बनना था वहीं पे बनेगा। क्या फर्क होता है, ओनली द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, बिकॉज जो लाइट है ना वो थोड़ी सी कम जा रही है, इसलिए उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ जो इमेज है जो जितनी शार्प बननी चाहिए, जितनी क्लियर बननी चाहिए वो उतनी नहीं बन पाती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। लेकिन पोजीशन, उस लेंस का साइज, नेचर, ये सारा ही चेंज नहीं होता है। इमेज है वो सारा, जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, तो ये इन्होंने सिक्स पार्ट में बताया है। अब फटाफट इसका अगर हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस में क्या होता है। पहला, कॉन्वेक्स लेंस इट इज़ ए थिक इन द मिडिल, तो ऑब्वियस बात है, देखिए ये देखने में ये कॉन्वेक्स लेंस है, इससे थोड़ा मोटा है, एंड थिन एट इट्स पेरिफेरी, ये हमारा एजेस की साइड पे पतला होता है, ठीक है। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है, इट इज़ थिन इन द मिडिल, यहाँ पे देखिए ये पतला है, एंड थिक एट इट्स पेरिफेरी, ये पेरिफेरी से हमारा थोड़ा सा मोटा होता है। इट कन्वर्ज द इंसिडेंट रे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारी रे को कन्वर्ज करता है किधर, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, यहाँ पर देखिए ये बैठ रहा है, ये रेज आ रही है और ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रे आ रही है, इसको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा, कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, हालांकि कंडीशन ये भी है कि ये दोनों रे पैरेलल होनी चाहिए, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये देखिए इन्होंने लिखा भी है, इट कन्वर्ज द इंसिडेंट ऑफ रे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, इट डाइवर्ज द इंसिडेंट रे अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ ए कॉन्केव लेंस। और तीसरा पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया, कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है और कॉन्केव लेंस का वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है, ये इन्होंने बताया। ये था आपका सिंपल सा छोटा सा नोट्स। अब मैं ये पॉइंट आ रहा है 5.4, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द इक्विक कॉन्वेक्स लेंस एंड इक्विक कॉन्केव लेंस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द इक्विकॉन्वेक्स लेंस एंड इक्विकॉन्केव लेंस, ठीक है। बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया मान लीजिए ये एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस में क्या होता है, बेसिकली कोई भी अगर एक रे आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली इसको दो तरीके से इस रे को सफर करना पड़ता है। पहला, यहाँ पे बेसिकली दो सरफेस हैं, ठीक है। पहला सरफेस क्या होता है, सपोज ये एक हमारा सरफेस है, ये जो ये वाला जो बॉर्डर है ये एक हमारा सरफेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रे को, दिस इज माई एयर, तो एयर से वो लेंस में जा रही है, ठीक है। और बाद में जब ये रे बाहर निकलती है तो ये लेंस से एयर में जाती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ डेविएशन होता है, ठीक है। तो ये रे ऐसे जा रही है और ये टूवर्ड्स इट्स मिडिल की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ज होती है,
ये थोड़ा सा बेंड होती है, बेंड टूवर्ड्स इट्स मिडल, ठीक है। और बाद में जब वो लेंस से एयर में जाती है तो भी बेंड होती है, बट उतना ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अवे होती है फ्रॉम द मिडल, ठीक है। ये डायग्राम में शायद आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट मैं ये बता रहा हूँ, ये एंगल अगर हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया नॉर्मल। अब नॉर्मल इन्होंने ऐसा किया है कि ये ऐसे एक लाइन इन्होंने ड्रॉ करी है, बट आप ये समझिए कि ये एक 3D डायमेंशन पिक्चर है और इसमें नॉर्मल ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये जैसे मेरा ये पेन है, तो ये इस नॉर्मल की तरफ झुक रही है, और बाद में जब ये डेंस से रेयर में जा रही है, मतलब लेंस से एयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से अवे जा रही है, ठीक है। और इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। सो अगर वो एंगल लेट्स से यहाँ पे बनता है हमारा लेट्स से 5 डिग्री का, और यहाँ पे हमारा बनता है लेट्स से नॉर्मल, यहाँ पे भी देखिए एक नॉर्मल है ना, देखिए एक नॉर्मल जैसे मैंने बताया ऐसे बन रहा है, और इस पॉइंट से जहाँ से ये रे बाहर आ रही है, लेट्स से दिस इज हमारे, जैसे इन्होंने बुक में लिखा है दिस इज पॉइंट नंबर सी, तो यहाँ से भी एक हमारा नॉर्मल जा रहा है, मतलब एक ही हमारा ऐसे, आप देखिए 3D डायमेंशन की तरह अगर इसको सोचिए तो ये हमारा ऐसे नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है, लेट्स से ये हमारा बन रहा है 3 डिग्री, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 5 + 3 दिस इज 8 डिग्री, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। सो बुक में इन्होंने कैसे लिखा है, अब मैं आप, अच्छा पहले इसको ओके, तो ये हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में इन्होंने कैसे बताया, कॉनकेव लेंस कैसे, कि ये सपोज एक मेरा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, यहाँ पे एक पैरेलल रे आ रही है, तो अगेन यहाँ पे इसको दो सरफेस का की वजह से इसको रे को दो बार इसको बेंड करना पड़ेगा, दो बार ये डेविएट होगी। पहली जब ये एयर से लेंस में जा रही है, ये फर्स्ट सरफेस, और जब ये लेंस से एयर में जा रही है, दैट इज माई सेकेंड सरफेस। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सेकेंड सरफेस था, ठीक है। तो पहले ये, अच्छा कॉन्वेक्स सॉरी, तो कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, ये अपने एजेस की तरफ डाइवर्ट करती है, तो यहाँ पे ये एक एंगल ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन जब ये लेंस से एयर में जा रही है तो ये थोड़ा सा कम डेविएट करती है, तो ये हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अगर अपने को देखना है, तो पहले तो इस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट हमारा बी है, तो ये हमारा एक नॉर्मल है यहाँ से, तो इससे क्या डिग्री पे, मतलब ये डिग्री हम लोग देखते हैं कितना डिग्री से डेविएट हुआ है, उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अवर टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय दैट लेंस, मतलब इस लेंस की वजह से टोटल कितना डेविएशन हुआ है। अगर बुक में देखते हैं तो देखिए इन्होंने इसमें कैसे समझाया है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट एट टू सरफेस ऑफ ए इक्विकॉन्वेक्स लेंस एंड द इक्विकॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट ए बी इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस, जैसे ये हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो इस लेंस पे इंसिडेंट करती है, देन इट सफर्स रिएक्शन एट टू सरफेस, एक सरफेस ये है जो हमारा एयर से ग्लास में जा रहा है, और दूसरा सरफेस ये है जो टू लिखा है, ग्लास टू एयर, ठीक है। फर्स्ट द लाइट रे ए बी सफर्स रिएक्शन एट सरफेस वन फ्रॉम एयर टू ग्लास, सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एन वन बी, तो ये जो लाइन है ना एन वन बी, दैट इज एक्चुअली योर दिस थिंग, आप इसको, जैसे मैंने बताया, आप 3D समझिए कि ये एक ऐसे लाइन है, तो इस लाइन की तरफ ये हमारा डेविएशन होता है, मतलब आप बोलिए इस, या तो आप ये समझिए कि ये जो ग्लास का जो मिडिल है उसकी तरफ डेविएट करती है, अगर आपको ये 3D डायमेंशन वाला नहीं समझ आ रहा तो, ठीक है। और द रिफ्रैक्टेड रे बी सी देन फॉल ऑन द सरफेस सेकेंड, मतलब अब जब ये बाहर निकल रही है तो सेकेंड सरफेस की वजह से, वेर इट नाउ सफर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर, अब इसकी वजह से वो फिर से डेविएट हो रही है, सो इट बेंड अवे, पहले ये टूवर्ड्स था, अभी ये अवे हो जा रहा है, किसके, मिडिल ऑफ द ग्लास से, ठीक है। तो यहाँ पे दो
डेविएशन हो रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल विच इज एन टू सी, ठीक है, एन टू सी यहाँ पे, ठीक है, एंड इट इमर्ज आउट एज ए सी डी, और फिर वो रे हमारी सी डी की तरह बाहर निकलती है. दस द रे ऑफ लाइट बेंड्स एट बोथ द सर्फेस, तो दोनों ही सर्फेस पे वो लाइट बेंड हो रही है, एक जगह कम हो रही है एक जगह ज्यादा हो रही है, बस उतना ही फर्क है, लेकिन बेंड दोनों जगह हो रही है. बोथ द सर्फेस इन द लेंस इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन देखिए सेम ही है जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. सेम इज फॉर कॉन्केव लेंस, यहाँ पे भी यहाँ पे ज्यादा डेविएशन है यहाँ पे कम डेविएशन है, ठीक है. प्रोड्यूस बाय द लेंस इज द सम ऑफ नाउ यहाँ पे इनका हेंस द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज द सम ऑफ डेविएशन एट द टू सर्फेस ऑफ द लेंस. तो बेसिकली टोटल डेविएशन कितना है, जो एंगल यहाँ पे था और जो एंगल यहाँ था, इनको अगर हम लोग डेविएशन को अगर हम लोग सम करते हैं देन दैट विल बिकम द टोटल सर्फेस डेविएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस, वो लेंस कितना ज़्यादा डेविएट करता है, ठीक है. ये इन्होंने इस 5.4 सेक्शन में बताने की कोशिश किया है. तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर, ये जो फर्स्ट पार्ट था ए, सो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा. और अगर कुछ आपके क्वेश्चन हैं कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइजेस देखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 5. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.